दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि एग्जामिनेशन फी रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है कि क्या जो भी हम लोग एग्जामिनेशन फ़ी दे रहे हैं वो रिफंडेबल है क्या नहीं है। तो ये क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन में हम लोग देखे थे कि काफ़ी कम फ़ी था, 100 के अराउंड था जनरल के लिए, और SC ST कोटा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो एग्जामिनेशन अप्लाई कर सकते थे। बट इसका इस वर्ष वो जस्ट अपोजिट है, जनरल के कैटेगरी के लिए 500 है और SC ST के लिए 250 के अराउंड फ़ी रखा गया हुआ है। तो इसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में था कि कोई बोला था कि पैसे रिफंड हो जाएंगे, तो उसका भी आज पीयूष गोयल, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उनका भी खुलासा कर दिया है। तो आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही आप को पैसे रिफंड मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मैं इस वीडियो में एक और बताऊंगा कि आप जो भी एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं उसमें सिग्नेचर आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में साइन करें। तो इसके लिए भी वो क्लियर हो गया। तो आज पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके सारे प्रॉब्लम रेलवे एग्जामिनेशन ग्रुप डी के रिलेटेड और स्टैंड लोको पायलट जितने भी एग्जामिनेशन रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसमें डेली वीडियो अपलोड करता हूं रेलवे एग्जामिनेशन रिलेटेड। मैं यहां पे आप देख रहे हैं कि प्लेलिस्ट बना के रखा हूं, ये न्यूज़ GK फॉर रेलवे एग्जामिनेशन, रीजनिंग फॉर रेलवे एग्जामिनेशन, मैथमेटिक्स फॉर रेलवे एग्जामिनेशन। तो ये बेसिक चार टॉपिक सेक्शन है जो GS GK एक ही में मैं अपलोड कर दिया हूँ, बना दिया हूँ। तो ये तीनों सेक्शन को आप बहुत ही देखें, डेली देखें, जब भी टाइम मिले तो आप ये प्लेलिस्ट को ओपन करके देखें तो आप एग्जामिनेशन क्लियर आसानी से कर लेंगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है ITI हटाने के बाद ग्रुप डी से। तो सबसे पहले आपको रेलवे मिनिस्टर का जो ऑफिशियल पेज है, ये ऑफिशियल पेज है, आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये रेलवे, इंडियन रेलवे का ऑफिशियल पेज है जहाँ पे पीयूष गोयल ने आज बहुत सारे ट्वीट एग्ज़ाम रिलेटेड किए। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि ITI रिलेटेड जो भी ट्वीट था, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के अलावा क्या क्या पैसे रिफंड, कैसे प्रोसेस रिफंड होगा। तो यहाँ पे जो ट्वीट है वो है कि रेलवे में फॉर्म कर भी कहीं अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देते थे जिसके व्यवस्था बेकार जाती थी, इसलिए फीस रखी गई है जो परीक्षा में भाग लेने के बाद वापस कर दी जाएगी। तो दोस्तों इनका मेन मकसद था कि जब फी बहुत कम होता था या फी नहीं होता था तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते थे कि वो फॉर्म को अप्लाई करते थे बट एग्ज़ाम नहीं देते थे, कुछ जो एजुकेशन लाइन से भी नहीं जुड़े हुए हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर देते थे, जो तैयारी नहीं करते थे वो भी फॉर्म अप्लाई कर देते थे क्योंकि फ़ी बहुत ज़्यादा कम रहती थी और SC ST कोटा के लिए तो फ़ी रहती ही नहीं थी। जिसके मद्देनज़र रेलवे में क्या होता था कि सारे सेंटर बुकिंग होते थे, उन्हें पैसे पेमेंट करने पड़ते थे स्कूल को, जो भी वहाँ पे एग्जामिनेशन में रहते थे टीचर तो उनको, तो इससे क्या होता है कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाते थे रेलवे एग्जामिनेशन को, RRB को एग्जामिनेशन लेने में। तो उसमें क्या हुआ है कि इस बार उन्होंने कुछ फ़ी रख दिया है ताकि वैसे ही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जिनको एग्ज़ाम देना हो। तो आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको पैसे रिफंड होगा। दूसरा न्यूज़ है कि रेलवे भर्ती की परीक्षा 15 भाषाओं में होगी और उसे हस्ताक्षर किसी भाषा में किया जा सकता है। तो आप सिग्नेचर और जो अपलोड करते हैं तो आप हिंदी में भी अपलोड कर सकते हैं, अपना मराठी में भी अपलोड कर सकते हैं, बंगाली में भी अपलोड कर सकते हैं, आप जिस लैंग्वेज में अपलोड करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज में सिग्नेचर को अपलोड कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको कंप्लीट डिटेल बताते हैं कि आपको सबसे पहले कि फ़ी वापस कैसे लेना है। तो सबसे चलते हैं एक रेलवे लाइव हिंदुस्तान का जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे प्रकाशित हुआ है कि आज देख रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 रेल मंत्री का ऐलान, एग्ज़ाम देने वाले को वापस की जाएगी बड़ी फीस। तो ये बेसिकली 100% न्यूज़ है, तो ये कोई फेक नहीं न्यूज़ नहीं है और उन्होंने न्यूज़ चैनल पर अपना प्रकाशित खुद किया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या न्यूज़ है।
आरआरबी रिक्वायरमेंट 2018 जो अब रेलवे में निकाली गई 90,000 भर्तियों को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक और बड़ी घोषणा की है। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन फी नहीं बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर उम्मीदवार रेलवे भर्ती परीक्षा देता है तो यह बढ़ी हुई फीस उसे वापस में कर दी जाएगी। तो मेन क्वेश्चन है कि दोस्त कि वो फी वापस होगी कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ इस न्यूज को रीड करने के बाद कैसे वापस होगी। दरअसल इस बार जो 90,000 भर्तियाँ निकाली उसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये और अनारक्षित वर्ग उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये एग्जामिनेशन फी रखी गई है, जबकि इससे पहले जो भर्तियाँ निकाली गई थी उसमें अनारक्षित वर्ग उम्मीदवारों के लिए 100 रुपीज़ फी रखी गई थी, जबकि आरक्षित वर्ग उम्मीदवारों के लिए छूट थी, उन्हें परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं देनी होती थी। ऐसे में रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं में काफ़ी असंतोष था। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है कि परीक्षा के लिए गंभीर उम्मीदवार ही आवेदन करें, बहुत बार कम शुल्क की वजह से लोग आवेदन कर देते हैं लेकिन परीक्षा नहीं देते हैं, ऐसे में सरकार को नुकसान होता है। परीक्षा भर्ती परीक्षा आयोजित में सरकार का काफ़ी पैसा खर्चा होता है और अगर उम्मीदवार परीक्षा देता है तो बड़ी हुई फीस वापस कर दी जाएगी। बट ये यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कैसे फी बढ़ा वापस होगी। तो दोस्तों आपको हम बताते हैं कि जब आप भी फॉर्म को अप्लाई करें तो आप जिस अकाउंट से अप्लाई करेंगे वही अकाउंट में पैसा आपको वापस आएगा। तो आप जब भी कहीं भी अप्लाई करते हैं, कैफ़े में करते हैं या कहीं भी अप्लाई करते हैं, तो आप कोशिश करें कि इंटरनेट बैंकिंग या खुद यूज करें ताकि अमाउंट जो रिफ़ंड होगा वो आपके अकाउंट में ही वापस आएगा। तो आप के पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो अपने आप रिलेटिव या किसी से भी लेके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कैफ़े से अप्लाई करते वक्त कैफ़े का यूज मत करें, उसका कैफ़े अपना बैंक का अकाउंट यूज करने ना दें। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है और अपने दोस्तों को जिन्हें पता नहीं है उन्हें को पूरा न्यूज को बताएं ताकि वो भी अवेयर हो और जो कि पैसा रिफंड होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ जनरल कैटेगरी के लिए 400 रिफंड होगा और जो SC ST के लिए है वो पूरे 250 रुपये रिफंड होगा। तो आप कोशिश कीजिए अपने रिलेटिव के अकाउंट से पैसा डिडक्ट करने के लिए या खुद के अकाउंट से पैसा डिडक्ट करने के लिए। तो आपको बताते हैं कि पूरे न्यूज़ में पीयूष गोयल जी ने खुद क्या बोला है, तो आप वीडियो को देखिए और आप ही सुनिए कि क्या न्यूज़ में बोला गया हुआ है। बढ़ने के पीछे जो हेतु था, जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी थी उसमें 250 रुपये है और जो बाकी जनरल कैटेगरी है उसमें 500 रुपये है। पहले ये 0 और 100 रुपये होती थी। हेतु ये था कि इसमें कई लोग एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं और फिर एग्जाम में आते नहीं है और हमारा बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत खर्चा करती है सरकार, तो इसलिए ये फीस रखी गई थी। पर जब व्यक्ति अपने एग्जाम दे देगा तो जिसने 250 रुपये दिए उनको पूरा 250 रुपये रिफंड मिल जाए, और ये ऑलरेडी क्लैरिफाइड भी था, ये मैं पुनः रिटेट कर रहा हूँ कि 250 रुपये जिसने फीस भरी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी उनको 250 फिर से रिफंड कर दिया जाएगा जो लोग एग्जाम में आके अपना पेपर लिखते हैं, और जो लोग 500 रुपये भरते हैं उनको भी 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा जब वो एग्जाम में आके अपना पेपर लिखते हैं, विच मीन्स देयर अ सीरियस कैंडिडेट। और सरकार का जो पूरी व्यवस्था बनती है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए और सीरियस कैंडिडेट ही अप्लाई करें। तो दोस्तों आपने देखा कि पीयूष गोयल जी ने जो भी बताया था कि रेलवे का जो फी है वो 250 में वापस 250 हो जाएगा और 500 में वापस 500 हो जाएगा। तो ये रहा बेसिक न्यूज़ और आप सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में है उसमें कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस ज़रूर करें और जो भी एग्ज़ाम पढ़ाई करते हैं वहाँ पे जाके मेरे वेबसाइट www.itofficerjob.com पे जाके
टेस्ट दे सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।